हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आपके एक बार हमारे फिर से उत्कर्ष सिंह के लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं। ठीक है, जो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम डेली या वीकली जो हम टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं एंड जो भी PDF OT इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज वो सब डालते हैं। सो आज की क्लास अपनी रहने वाली है पीडियाट्रिक नर्सिंग पे। एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था हाइपर बिलरुबिनीमिया के बारे में। हाइपर बिलरुबिनीमिया के हमने दो क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, उनके दोनों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट, कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लासेस का, कि हमने जो डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर ली थी हमने, बिलरुबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, कितने से ज़्यादा होने पे हम उसको बिलरुबिनीमिया हाइपर बिलरुबिनीमिया कहते हैं, एंड इसके कौन कौन से टाइप होते हैं और उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हमने देखी थी, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो हमने लास्ट क्लासेज के अंदर मेनली 4 टाइप्स के जॉइंडिस पढ़े थे। हाइपर बिलरुबिनीमिया एंड जॉइंडिस बोथ आर सेम, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। ओके गाइज, सो हम देखते हैं आज की क्लासेज के अंदर, थोड़ा सा रिव्यू करवा रहा हूँ। हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, ठीक है गाइस, एंड देन पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। ओके, तो ये मेन टाइप के जॉइंडिस हमने दो और देखे थे, ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंडिस एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस, दोनों के मैंने ट्रीटमेंट वहीं पे बता दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रीटमेंट टॉप से उससे यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़े ब्रॉड हैं तो इसको हमने अलग से लिया है। तो हमने लास्ट क्लासेस के बारे में इसके अंदर और इसका डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था कि लेस देन 15 mg पर DL, ठीक है, इसके अंदर कभी भी बिलरुबिन का लेवल 15 mg से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हम इसे कितना रहता है, लेस देन 15 mg पर DL, कब होता है ये, आफ्टर 24 आवर्स ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, और क्या होता है यहाँ पे, तो आफ्टर 24 आवर्स देखने को मिलता है इसके अंदर, और प्री टर्म बेबीज के अंदर ये कब देखने को मिलता है, 3rd day पे। ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चन बनता है कब देखने को मिलता है, टर्म बेबीज में कब देखने को मिलता है, प्री टर्म बेबीज के अंदर ये कब देखने को मिलता है, 5th day आफ्टर बर्थ, मैक्सिमम चांसेस यहाँ होते हैं। क्वेश्चन पूछता है क्योंकि अभी न्यू एडिशन है टारगेट हाई का, इसका मैं रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखे थे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो टर्म बेबीज के अंदर 3rd day पे वो दिखता है, 5th day पे, प्री टर्म बेबीज के अंदर नॉर्मली ठीक कब हो जाता है, 7th day पे एंड 14 days पे प्रीटर्न बेबीज के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, अब आप कह रहे हो कि सर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है जब अपने आप ठीक हो जाता है, तो लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तब देते हैं जब ये सपोज ऐसे कोई कंडीशन जब ये सही नहीं हो रहा हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमें बच्चे को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है, तो हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देते हैं यहाँ पे फोटोथेरेपी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस फोटोथेरेपी, यहाँ आज का टॉपिक रहेगा फोटोथेरेपी। ठीक है, फिर पैथोलॉजिकल जॉइंडिस के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर जो बिलरुबिन का लेवल होता है वो दिखता है मोर देन 15 mg पर DL। ठीक है गाइस, ये देखने को मिलता है विद इन 24 आवर्स के अंदर, पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, एंड ये इनका कोई रोल नहीं होता क्योंकि ये अबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसका मेजर कॉज होता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का होता है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी ध्यान रखना आप। एंड जितने भी हिमोलाइटिक डिजीज है उनके अंदर देखने को मिलता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। क्लियर है यहाँ तक। एंड यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो होता है अपना एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता कैसे ये भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पैथोलॉजिकल जॉइंडिस के अंदर हम कौन कौन से ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ऑप्शन में देके रखें फोटोथेरेपी, फेनोबारबिटोन, ठीक है, एंड लास्ट में देखें ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि हम ट्रीटमेंट
सब दे सकते हैं इसके अंदर, कोई जरूर नहीं है एक्सटेंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही हो। मतलब कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे आपसे, इनके अंदर चार ऑप्शन में देख के पूछ रहे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो आपका राइट आंसर होगा एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ऑल ऑफ द अबव की कंडीशन आ जाए तो आप राइट आंसर करना ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये भी हम देते हैं। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर फोटोथेरेपी क्या होती है, कौन सी मैकेनिज्म पर वर्क करती है, कैसे बच्चे के अंदर इसका एक्शन होता है, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। शुरुआत करेंगे फोटोथेरेपी से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, पूछे हुए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन निकाल के देखिएगा एक बार। सो हमारा आज का टॉपिक है फोटोथेरेपी। अब फोटोथेरेपी के अंदर क्या होता है, हम इसके अंदर कुछ लाइट्स का यूज करते हैं, वो हमारी ब्लू एंड वाइट लाइट्स होती हैं, ब्लू एंड वाइट लाइट्स होती हैं जिनका मिक्सअप होता है। सो टॉपिक हमारा फोटो थेरेपी। ओके गाइस, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 5 स्टार लगाइएगा। अब फोटोथेरेपी, अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड क्रेमर, उन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, फर्स्ट यूज बाय रिचर्ड क्रेमर। ओके, इन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था। इन्होंने कुछ लाइट्स होती हैं फोटोथेरेपी के अंदर, हम लाइट्स यूज करते हैं जो कौन कौन सी होती हैं, ब्लू एंड वाइट लाइट्स होती हैं, इनका मिक्सअप होता है, ठीक है गाइस, एंड जो इन लाइट्स की वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, जो लाइट्स की वेवलेंथ यूज करते हैं हम यहाँ पे वो होती है लैम्डा, एंड जो रेंज होती है इन लाइट्स की, जो रेंज होती है वो होती है 425 से लेके 475 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉन में पूछे तो इनके आगे जीरो ऐड कर दीजिएगा, 4250 to 4750 एंगस्ट्रॉन, ठीक है गाइस, पूछे हुए क्वेश्चन है। सो अब समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर किन्होंने इसको सबसे पहले यूज किया था, रिचर्ड क्रेमर ने, लास्ट क्लासेज हमने क्रेमर इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के अंदर स्पेलिंग ये भी देके रखता है क्रेमर कैसे, ठीक है, सेम चीज है दोनों। ओके, सो यहाँ से हमने क्या देखा, इसके अंदर जो लाइट्स यूज करते हैं ब्लू एंड वाइट्स होती हैं, वेवलेंथ होती है लैम्डा, एंड जो रेंज होती है लाइट्स की वो कौन सी होती है, 425 से लेकर 475 नैनोमीटर, एंड एंगस्ट्रॉन में बात करें तो 4250 से लेकर 4750 एंगस्ट्रॉन। अब जो हमारी फोटोथेरेपी होती है वो कुछ प्रिंसिपल पे काम करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल पे काम करती है, उन्हीं के बेसिस पे हम समझते हैं कि ये फोटोथेरेपी वर्क कैसे करती है। सो आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, तीन प्रिंसिपल पे काम करती है, उनको अच्छे से समझना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें रखनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं हमें समझनी पड़ती हैं। सो फोटोथेरेपी की मैकेनिज्म क्या होती है, ये मैकेनिज्म अच्छे से देखिएगा आप, तो फर्स्ट आता है कॉन्फिगुरेशन आइसोमराइजेशन, ठीक है, देन सेकंड आता है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, देन थर्ड आता है फोटोऑक्सीडेशन, ठीक है गाइस, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फोटोथेरेपी एक्ट बाई कॉन्फिगुरेशन आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, फोटोऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। सो फोटोथेरेपी एक्ट बाई बोथ मैकेनिज्म, तीनों मैकेनिज्म उसके अंदर होती हैं। अब कॉन्फिगुरेशन आइसोमराइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जेड आइसोमर बिलरुबिन कन्वर्ट इनटू ई आइसोमर बिली
रूबीन। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, आइसोमर का मतलब होता है जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास हो, उसे हम कहते हैं आइसोमर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सो आप इतना कंफ्यूज मत होना, बस आप इनको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना कि जेड आइसोमर से ई आइसोमर बिलरूबिन कन्वर्ट बनता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन के अंदर यहाँ पे ई आइसोमर कन्वर्ट इनटू ल्यूमिरूबिन, ई आइसोमर कन्वर्ट इनटू ल्यूमिरूबिन, एंड जो ये प्रोडक्ट बनता है ये होता है इरिवर्सिबल बिलरूबिन। ये बिलरूबिन है ये सब, ठीक है, ई रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल चीज़ है। इरिवर्सिबल ना मतलब एक बार ये बन गया तो ये फिर से नहीं बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर एक बार ये बन गया तो ये फिर से नहीं बनेगा, मतलब हमको क्या चाहिए, ल्यूमिरूबिन। तो क्या होता है, इस फोटोऑक्सीडेशन के अंदर जो ब्लू लाइट्स होती हैं वो किसके ऊपर गिरती हैं, ल्यूमिरूबिन के ऊपर, और जो ल्यूमिरूबिन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोटो प्रोडक्ट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं ल्यूमिरूबिन कन्वर्ट इनटू फोटो प्रोडक्ट। गाइस मैंने इसको बहुत सिंपली करके आपके सामने बताया, बुक्स के अंदर बहुत इसको कंफ्यूजिंग तरीके से दे रखा है, आप चाहिए तो देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बताया आपको। सो आप समझने की कोशिश करना, तीनों मैकेनिज्म इसकी बेसिस पे फोटोथेरेपी काम करती है। सबसे पहले इसके अंदर कॉन्फ्यूग्रेशन आइसोमराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको, ये इरिवर्सिबल है। इसके ऊपर क्या होता है, जो यहाँ से ब्लू लाइट डाल रहे हैं हम, जो हमारी ब्लू लाइट है फोटोथेरेपी के थ्रू, वो आके किसके ऊपर गिरती है, हमारे फोटो प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, एंड फोटो प्रोडक्ट क्या होते हैं, सॉरी, ल्यूमिरूबिन से किस में कन्वर्ट करती है, फोटो प्रोडक्ट। और फोटो प्रोडक्ट होते हैं ये वाटर डिजोल्व होते हैं, वाटर डिजोल्व होते हैं, मतलब कि समझने की कोशिश कीजिएगा आपकी बॉडी में कौन सा बिलरूबिन बड़ा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन वो क्या होता है, ब्लू लाइट्स की वजह से उसको फोटो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फोटो प्रोडक्ट होता है जो कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन की तरह होता है। एंड हमें पता है कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो सकता है वाटर फॉर्म के अंदर। हमें चाहिए क्या, वाटर में जो चीज़ें डिजोल्व हो सकें, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड फैट सोल्युबल होता है वो बॉडी से रिमूव नहीं हो सकता। मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स लेक्चर को आज देख रहे हैं वो लास्ट क्लास से जरूर देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएंगे सब चीज़ में क्या कह रहा हूँ आपको। सो यहाँ तक क्लियर आप सभी को, फोटो प्रोडक्ट मतलब आपके पास फोटो प्रोडक्ट आ गया तो आपकी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। सो ये इसकी मैकेनिज्म होती है। अब इस दौरान आप, ये कंप्लीट है यहाँ तक, इस दौरान कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होते हैं, मैकेनिज्म याद रखिएगा। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर जो बच्चे को हम बिल्कुल नेक्ट रखते हैं, ओनली उसकी आइस्को एंड जेनाइटल एरिया को छोड़ के, क्योंकि बच्चे के ऊपर वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं हमें, इसलिए हमें उन्हें कवर करना जरूरी होता है। सो हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है गाइस, सो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुनना ध्यान से, बच्चे को कवर आई एंड जेनिटलिया। ठीक है गाइस, क्यों करते हैं कवर, क्योंकि जो आयरेस, जो सॉरी रेज होती हैं वो बच्चे के ऊपर जाके गिरती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस, बच्चे के जो कंजक्टिवा और रेटिना होता है वहाँ की इंजरी देखने को मिल सकती है। तो हम क्यों करते हैं इनको कवर, टू प्रिवेंट इंजरी ऑफ कंजक्टिवा एंड रेटिना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्यों इनको कवर क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट इंजुरी ऑफ कंजक्टिवा एंड रेटिना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइस, एंड नेक्स्ट आता है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे बच्चे के बॉडी के ऊपर कोई भी ऑयल,
कोई भी ऑइंटमेंट एंड कोई भी पाउडर यूज नहीं कर रहा है। क्यों यूज नहीं कर रहा है? क्योंकि बच्चे के ऊपर वो बैरियर के जैसे एक्ट करते हैं एंड जो लाइट हम डाल रहे हैं बच्चे के बॉडी पे वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी प्रॉपर तरीके से। फोटो प्रोडक्ट है जो ल्यूमिरुबिन है वो फोटो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा एंड फोटो प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो बच्चे के अंदर जो देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, पढ़ाऊंगा भी लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, नो यूज एनी ऑयल ऑइंटमेंट देन पाउडर एंड पाउडर। ठीक है, क्लियर? यहां तक, यहां तक क्लियर है ना? हमने दो वर्ड पढ़ लिए। अब क्या होता है, जो फोटोथेरेपी होती है उसके अंदर बल्ब यूज करते हैं, उस बल्ब की एफिशिएंसी होती है 2000 आवर्स, उसके बाद में बल्ब को चेंज करना जरूरी होता है। ठीक है, चेंज बल्ब आफ्टर 2000 आवर्स, क्योंकि बल्ब की कैपेसिटी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ टू डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बल्ब। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? देन नेक्स्ट क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी बच्चे को हमें पोजीशन बच्चे की होती है उसको एवरी 2 आवर्सली चेंज करना होता है, चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्सली, चेंज पोजीशन। अब ये क्यों चेंज करते हैं? एवरी 2 आवर्सली। ठीक है गाइस, क्यों चेंज करते हैं? अब एक बात बताइए, बच्चा सेम पोजीशन में लेटा हुआ है और उसके ऊपर फ्रंट में तो उसके ऊपर लाइट्स जा रही हैं लेकिन बैक में नहीं जा रही ना, लेकिन हमारी बॉडी में बिलरुबिन का लेवल तो पूरा बॉडी पे है, तो क्या होगा? ओनली फ्रंट पे उसके बिलरुबिन डिक्रीज होगा, फ्रंट बैक में ऐसे कैसे रह जाएगा? तो उसके जो बॉडी के अंदर जितने भी जो उसके बॉडी में अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है उसको फोटो प्रोडक्ट मतलब कि डिजोल्व करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है, इसलिए हमें पोजीशन चेंज करनी होती है एवरी 2 आवर्स, ताकि जितना भी हमारे बॉडी उसके बच्चे की बॉडी में जो बिलरुबिन जो डिपॉजिट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं पोजीशन चेंज एवरी 2 आवर्सली। ठीक है गाइस, देन इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट आता है हम बच्चे का जो टेम्परेचर को एवरी 2 आवर्सली चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं, अब आइए समझते हैं। क्योंकि हमें पता होता है जो फोटोथेरेपी हम दे रहे हैं फोटोथेरेपी उसके अंदर जो लाइट्स होती हैं वो हीट जनरेट करती हैं, ठीक है ना? वो हीट जनरेट करती है तो बच्चे का टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, बिल्कुल होगा। एंड जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरथर्मिया देखने को मिलेगा ना। चेक टेम्परेचर एवरी 2 आवर्सली। ठीक है गाइस, चेंज टेम्परेचर एवरी 2 आवर्सली एंड नर्स की यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहती है, मेंटेन एक्जिलरी टेम्परेचर। अब बच्चे के अंदर एक्जिलरी टेम्परेचर क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ओरल क्यों नहीं करते हैं? बच्चा है वो हम उस अभी वो नासमझ है, हम उसका हम ओरल टेम्परेचर लेने की कोशिश की तो बच्चा या तो उसे बाइट कर लेगा या फिर और अदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो हम बच्चे के अंदर ऑलवेज एक्जिलरी टेम्परेचर लेते हैं जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 36.5 to 37.5 degrees Celsius। ठीक है, इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, हमें मेंटेन करके कितना रखना है, तो 36.8 to 37.2 degrees Celsius मेंटेन करके रखना है। तो नर्स कितना मेंटेन करेगी, 36.8 to 37.2 सेल्सियस, ये रेंज याद रखना आप। ठीक है गाइस, अगर ये ना देखे रखे तो ये वाली ध्यान रखना आप, पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंटेन एक्जिलरी टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो हम, अब इसकी वजह से एक बात बताओ मुझे, हाइपोथर्मिया हुआ, हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से बच्चे के अंदर स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होती है फ्लूड लॉस होगा बच्चे के अंदर, फ्लूड लॉस होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चे के अंदर फ्लूड की कमी आ जाएगी और डिहाइड्रेशन क्या एक कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरथर्मिया क्या एक कॉम्प्लिकेशन है। उसी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, चेक टेम्परेचर एवरी 2 आवर्सली। ठीक है गाइस,
इतना मैंने समझाया है। देन इसके बाद क्या होता है, जो लाइट्स है, अब जो लाइट्स डाल रहे हैं हम बेबी के ऊपर, उसका डिस्टेंस कितना होता है बच्चे और लाइट्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीएचयू में, डिस्टेंस बिटवीन लाइट एंड बेबी, ठीक है, बीएचयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, अभी हाल फिलहाल में एग्जाम लगा था उसका। तो कितना होता है 30 से 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 से 45 सेंटीमीटर। अगर डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में सिंगल बेस्ट आंसर पूछे तो आप 45 सेंटीमीटर आंसर टिक करना, ठीक है, राइट है ये, ओके गाइस। सो कितना हुआ 45 सेंटीमीटर। देन इसके बाद क्या होता है, इस दौरान बच्चे के अंदर क्या होता है, अभी मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया था, डिहाइड्रेशन होता है, क्यों, हाइपरथर्मिया की वजह से। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को फीडिंग देते हैं, कौन से, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग every 2 to 3 hours। क्यों देते हैं बच्चे को, अरे कितनी देते हैं, क्योंकि मैंने बताया बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाना है, ठीक है गाइज। एंड बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम क्या देते हैं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं every 2 to 3 hours, ठीक है गाइज। और क्या होता है, कितनी देते हैं, अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कहता है, तो नॉर्मली तो हम देते हैं 100 ml पर kg पर डे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, कितना देते हैं 100 ml पर kg पर डे नॉर्मली देते हैं ये। आप इस दौरान कितनी देंगे, जब हम फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा 20 to 40 ml पर kg पर डे, ओके। फॉर एग्जांपल के लिए एक बेबी है 3 kg का, ठीक है, 3 kg यहाँ रखो, 100 × 3 तो कितना हुआ 300 ml पर डे। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा देना है, 20 से 40 ml, मतलब कि पर kg, तो बच्चे कितने का है, × 3 × 3, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं हम, 60 से लेके 120 ml पर डे, ये इसमें ऐड करेंगे हम, ओके गाइस, समझ में आया ना इसमें। तो यहाँ पे इसकी बिटवीन रेंज आ रही है, वो कितनी आ रही है आपकी, लगभग 80 के आसपास, ओके ना, ठीक है। तो इसमें ये ऐड करेंगे, लगभग 400 के आसपास हम बच्चों को कितनी देंगे, फीडिंग करवाएंगे, अगर बच्चे का वेट, एग्जांपल से समझाएं, डाटा ये देता है एग्जाम के अंदर, ऐसे नहीं एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, डाटा यही देगा, ओके। और जो आपका रेडियंट वार्मर होता है, इसके अंदर इसकी डबल आ जाती है, 40 से 80 ml पर kg पर डे, हम उसमें अलग से पढ़ेंगे। सो अभी के लिए आप ये ध्यान रखना, क्लियर, यहाँ तक कितनी एक्स्ट्रा फीडिंग देंगे हम बच्चे को ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, 20 से 40 ml पर kg पर डे, ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। और क्या इंटरवेंशन रख सकते हैं, इस दौरान हम बच्चे का वेट मेजर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और इस दौरान बच्चे का हम इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, नोट कर लीजिएगा सब चीज़ें। और क्या करेंगे, इस दौरान बच्चे के अंदर अगर ग्रीन कलर के स्टूल देखने को मिल रहा है, ग्रीन कलर का, तो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से बिलिरुबिन एस्क्रेट आउट हो रहा है, क्योंकि जो जो फोटो प्रोडक्ट है वो ग्रीन फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी से एस्क्रेट आउट होते हैं, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना। और क्या हो सकता है, इस दौरान जो रूम टेम्परेचर होता है वो हमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको मेंटेन करके रखना है रूम टेम्परेचर को, ओके। देन और क्या हो सकता है, यहाँ पे हम जो बच्चा यूरिन आउटपुट करता है उसको हम मेजर करेंगे, कम से कम बेबी 4 to 6 times तो यूरिन आउटपुट करना ही चाहिए, पूछा वो क्वेश्चन है सब्जेक्ट में एन बी एस यू के अंदर, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ें आप नोट कीजिएगा। अब क्या होता है, इसकी वजह से, फोटोथेरेपी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो आइए कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, सबसे पहले तो मैंने बताया डिहाइड्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, सिक्वेंस से लिखते हैं, हाइपरथर्मिया होगा अगर ध्यान नहीं दिया तो, डिहाइड्रेशन होगा,
ठीक है, बिल्कुल होगा। और क्या होगा बच्चे के अंदर? हाइपोथर्मिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा बच्चे के अंदर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी? इस लाइट्स की वजह से स्किन रैशेज, ठीक है। देन फोर्थ पे क्या होता है, एक बात बताओ, अगर बच्चे के अंदर जो बिलरुबिन है, जो फोटो प्रोडक्ट है, बॉडी से बाहर नहीं निकले तो वो ग्रीन कलर के हैं, तो वहाँ पे अगर बॉडी बच्चे की बॉडी में स्टोर रहेंगे तो स्किन का कलर क्या होगा? ग्रे ब्राउन कलर का कलर रहेगा स्क्रीन का। तो बच्चे की स्किन कैसे दिखने की दिखेगी अपने को? ग्रे ब्राउन कलर की। और जिसकी वजह से बच्चे के अंदर सिंड्रोम देखा जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। एंड ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या होता है? बच्चे के अंदर जो स्किन का कलर होता है वो ग्रे ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। तो फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ठीक है गाइस। पूछे हुए क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में दे सकता है आपको, इनमें से तीन एक और कोई सा। इसके अंदर क्या हो सकता है? ग्रीन ब्राउन कलर ऑफ स्क्रीन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके कॉम्प्लिकेशन मेनली यही देखने को मिलते हैं। अब क्या हो सकता है इस दौरान, हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं? तो इससे बचाने के लिए हम बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे एवरी 2 आवर्सली प्रोवाइड। अब ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बच्चे को ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम है, नर्स है जो उसको क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन देगी? प्रोवाइड एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 to 3 आवर्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अब हमारा ये फोटोथेरेपी कंप्लीट है गाइस, ठीक है। नाउ इसके बाद हम इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट है गाइस, ये सब कुछ कंप्लीट है, यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन है सब कुछ मैंने बताए हैं आपको। सो अब इसके बाद आता है आपका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड देन आपकी एक ड्रग्स आती है फेनोबारबिटोन, ठीक है ना। फेनोबारबिटोन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रॉड टॉपिक है थोड़ा सा। सो अब देखते हैं फेनोबारबिटोन के बारे में। ये जो ड्रग्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्ट करती है फेनोबारबिटोन, तो ट्रीटमेंट के अंदर देख रहे हैं सब चीज़ें। फेनोबारबिटोन ड्रग्स आती है एक, फेनोबारबिटोन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जॉइंडिस, ठीक है गाइस। ड्रग ऑफ चॉइस है, कैसे एक्ट करती है ये? अब आपको मैंने लास्ट क्लासेस में समझाया था लीवर के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है? ग्लुकोरोनिक एसिड की सहायता से अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करता है। तो ये ड्रग्स क्या करती है आपके लीवर के अंदर? ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज को इम्प्रूव करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज पे एक्ट करती है, ठीक है गाइस, ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज पे एक्ट करती है। अब ये क्या करती है, इसका डोज कितना होता है, ठीक है ना गाइस, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। सो इसका जो डोज होता है, इसका लोडिंग डोज होता है और दूसरा होता है आपका मेंटेनेंस डोज। तो इसके अंदर आपके दो डोज देखने को मिलते हैं, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज, ठीक है ना। लोडिंग डोज होता है वो होता है 15 से 20 mg per dl, एंड जो मेंटेनेंस डोज होता है 4 to 5 mg per dl, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोडिंग डोज कितना होता है एंड मेंटेनेंस डोज कितना? ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है? जॉइंडिस की है, ठीक है गाइस। फेनोबारबिटोन पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेनोबारबिटोन किस में देते हैं, क्या करती है? ग्लुकोरोनिल ट्रांसफरेज पे जाके एक्ट करती है, और क्या करती है, जिसकी सहायता से अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में चेंज किया जा सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्रॉड टॉपिक है इसलिए अलग से डिस्कस करेंगे, वरना क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस। सो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस का। सो आज की क्लासेस अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पर भी दे रखे हैं, ठीक है, आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है एंड सपोर्टिंग नंबर भी यही है, आप इन पे अपना मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है गाइस, और पूछ सकते हैं। आपको हर एक फैकल्टी के नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हो फैकल्टी से आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। और
रिलेटेड टू टॉपिक आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी गाइड से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा फैकल्टी से। ओके गाइस, सो आज की क्लास में इतना डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।